और दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डेटसन गो प्लस का फुल डिटेल रिव्यू। आप में से कई लोग कह रहे थे कि एक बजट सेगमेंट की 5+2 सीटर की कार्स की वीडियो बनाइए, जिसमें आपके लिए काफ़ी बढ़िया हो सके अगर आप एक बजट सेगमेंट की 5+2 सीटर कार लेना चाहते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं डेटसन गो प्लस का फुल डिटेल रिव्यू, जिसमें हम देखेंगे डेटसन गो प्लस में आपको कितना इंटीरियर में स्पेस मिलता है, कैसे आपको इसमें यूनिक फीचर्स दिए गए हैं, ग्राउंड क्लियरेंस कितना मिलेगा इसमें, कितना पावरफुल इसका पेट्रोल इंजन है, और ये सारी डिटेल हम कवर करने वाले हैं। अभी आप देख रहे हैं डेटसन गो प्लस के टॉप मॉडल को, और जो इसकी प्राइसिंग है वो भी काफ़ी सही है, यानी कि एक बजट को ये टारगेट करके बनाई गई है। इसके बेस मॉडल की प्राइस है 386,000, यानी कि 386,000 में आपको इसका बेस मॉडल मिल जाएगा। ये इसकी एक्स शोरूम प्राइस है, और अभी आप इसका टॉप मॉडल देख रहे हैं, इसकी प्राइस है 589,000, यानी कि 590,000 एक्स शोरूम में आपको इसका टॉप मॉडल मिल जाता है, जिसमें आपको सारे फीचर मिल जाएंगे। और दोस्तों एक खास बात और है कि जो इसका बेस मॉडल है, जो जिसकी प्राइस है 386,000, जो कि काफ़ी ज़्यादा बजट में रखी गई है, उसमें आपको सेफ्टी के सारे फीचर मिल जाएंगे। डुअल एयरबैग मिल रहे हैं, ABS मिल जा रहा है, आपको EBD मिल जा रहा है, ब्रेक असिस्ट मिल रहा है, जो कि सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। अभी पार्किंग सेंसर भी आपको इसके बेस मॉडल से मिल रहे हैं, तो ये भी एक बढ़िया पॉइंट कहूँगा मैं। अगर इसके फ्रंट के लुक को अगर आप देखते हैं, तो आपको इसमें हैलोजन हेडलैम्प मिलेगा, काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका, जो कि काफ़ी बढ़िया आपको लाइट इंटेंसिटी दे रहा है। ये इसके आप टर्न इंडिकेटर्स देख रहे हैं, और इसमें आपको मिल जा रहा है नीचे जो वर्टिकल DRL मिल रहे हैं, जो कि फॉग लैम्प का भी काम कर रहे हैं, और बीच में आपको इसकी पूरी हेक्सागन ग्रिल मिल जाएगी, जिसमें डेटसन का लोगो है बीच में। इसमें आपको हनीकॉम पूरा ये मैश मिल रही है, ये भी इसको एक यूनिक लुक देती है। मतलब अगर आप इसका बेस मॉडल ले लेते हैं, या फिर ये आप इसका टॉप मॉडल ले लीजिए, इससे ऊपर इसका एक VDC मॉडल भी आता है, जो कि व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल मॉडल है, जो कि 15,000 रुपये थोड़ा और महंगा है इससे, तो वो आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। अभी अगर आप देख रहे हैं तो इसके टॉप मॉडल में आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं 14 इंच के, जो कि काफ़ी बढ़िया साइज़ है इस साइज़ की कार के हिसाब से। देखिए 165/70R14 का टायर इसमें दिया गया है, बढ़िया आपको रोड ग्रिप दे देगा। और इस गाड़ी की एक खास बात और है कि आपको इतनी कम प्राइस में ये 1200cc का पेट्रोल इंजन दे रही है, जिसके पावर फिगर है 68 ब्रेक हाउस पावर के, यानी कि 68 ब्रेक हाउस पावर ये बनाएगा 5000 RPM पे, और 104 न्यूटन मीटर का टॉर्क है इसमें, जो कि 4000 RPM पे आपको मिलने वाला है। और इसमें आपको डबल ओवरहेड कैम वाला इंजन मिलने वाला है, तो इसकी परफॉर्मेंस भी बढ़िया होती है। ओवरऑल अगर आप गाड़ी की पूरी लेंथ को देखते हैं, तो ये एक 5+2 सीटर कार है, तो अंदर आपको स्पेस इसमें सही मिल जाएगा 7 लोगों के लिए। बॉडी कलर्ड आपको इसमें डोर हैंडल मिल रहे हैं, बॉडी कलर्ड आपको ORVM मिल रहे हैं, और इसमें आपको ब्लैक क्लैडिंग देखने को मिल रही है नीचे। ये इसका डेमो व्हीकल है, तो इसमें आपको ये ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं। बाकी फ्यूल टैंक आपको इसमें सिर्फ ये पेट्रोल में आती है गाड़ी, इसमें डीजल का कोई ऑप्शन नहीं है। इसके टॉप मॉडल में आपको ये वॉशर वाइपर ये सारे फीचर मिल जाएंगे, डिफॉगर्स इसमें नहीं है, बाकी सारे फीचर आपको मिल रहे हैं इसमें। गो प्लस की आपको इसमें बैजिंग मिल रही है, ये इसकी पूरी टेल लाइट आपको मिल रही है इंटीग्रेट, ये आपके टर्न इंडिकेटर इसमें दिए गए हैं। और इसके बेस मॉडल से आपको जो पार्किंग सेंसर मिलता है, ये भी इसका काफ़ी बढ़िया फीचर है। तो ये कुछ इसका पूरा एक्सटीरियर का लुक है। अब हम देखते हैं इसके पूरे इंटीरियर में आपको कैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। इंटीरियर भी इसका काफ़ी स्पेशियस है। पहले हम चलते हैं इसके पेट्रोल इंजन के पास, जो कि इसमें 1200cc का डेटसन ने दिया हुआ है। ये डेटसन मित्सुबिशी और रेनॉल्ट ने मिलकर बनाया हुआ है इंजन, तो बढ़िया परफॉर्मेंस है इसकी। और कंपनी इसका माइलेज 90+ KMPL, यानी कि 20 KMPL का माइलेज इसमें क्लेम कर रही है। 3 सिलेंडर का ये इंजन है, और साइलेंट इंजन है, और बोनेट देखिए काफ़ी हैवी मटेरियल है इस सेगमेंट के हिसाब से देखिए। और ये कुछ इसका पूरा आपको लेआउट मिल जाएगा, ऐसा कुछ है। बाकी सही इंजन है, 68 ब्रेक हाउस पावर सही है इस गाड़ी के हिसाब से, और 104 Nm का टॉर्क मिल रहा है इसमें। बाकी आप देखते हैं जल्दी से इसके इंटीरियर की ओर, इंटीरियर में आपको कितना इसमें स्पेस मिल रहा है। तो इंटीरियर की ओर अगर हम चलते हैं, तो ये इसका पूरा डोर का लेआउट आप देख रहे हैं। डोर में आपको सारे नेसेसरी कंट्रोल मिल जाएंगे, ये इसके 1 touch down वाली पावर विंडो मिल रही है। ऊपर करने के लिए आपको कंटिन्यूसली इसको प्रेस करना होगा, जो कि इसका नॉर्मल फीचर है। और ये सारे 4 विंडोज़ में आपको पावर विंडो मिल रही है, ये इसके डोर नॉब्स दिए गए हैं। अब सीधे चलते हैं इसके, यहाँ पर आपको कुछ स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, ये स्पीकर की ग्रिल आपको देखने को मिल रही है, और यहाँ पर आपको एक प्लास्टिक की, मतलब एक टेक्सचर्ड प्लास्टिक दिया गया है पैडिंग के रूप में, जो कि एक आर्मरेस्ट का आपका वर्क करने वाला है। ये इसके लॉकिंग का सिस्टम पूरा दिया गया है। ये पूरा इसका इंटीरियर का पूरा डैशबोर्ड का लेआउट है, जिसमें आपको डुअल थीम में पूरा डैशबोर्ड दिया गया है। अगर हम देखते हैं इसके पूरे डैशबोर्ड के पूरे व्यू की ओर, तो ये कुछ इसका फॉन्ट का डिज़ाइन है आप देख रहे हैं। टॉप स्पीड इसमें दिखा रहा है 180 की, ये 160 किलोमीटर तक चले जाती है गाड़ी।
बाकी ये इसका पूरा टैगोमीटर आपको दिख रहा है और ये पूरे MID में आपको सारे सिस्टम दिख जाएगा, जिसमें ये आपको ओडोमीटर शो कर रहा है, ये ट्रिप दो आ जाएगी, माइलेज भी शो करता है इसमें, और सारा कुछ आपको इसमें मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसके AC के कंट्रोल्स है। अगर हम इसके AC की परफॉर्मेंस देखते हैं एक बार, और ये आपको सारे कहाँ एडजस्ट करना है, ये इसका मैनुअल AC के सारे कंट्रोल आपको मिल जाएंगे। बाकी सही है, AC की परफॉर्मेंस भी सही है, कूलिंग इसने स्टार्ट कर दी है, बढ़िया AC है। अब हम देखते हैं ये इसका रिसर्कुलेशन का पूरा डक्ट का है, ये पूरा इसका मेन 7 inches का इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इसके बेसिक फीचर मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है। ये बेज में आपको एक मैच्ड आउट पूरा डैशबोर्ड मिल रहा है। ये आप इसका ग्लव बॉक्स देख रहे हैं, काफ़ी डीप है, काफ़ी डॉक्यूमेंट और जो आपका नेसेसरी के थिंग्स आ जाएंगे इसमें, तो ओवरऑल काफ़ी सही है। ये इसका मैनुअल IRVM मिल जाएगा, जिससे पीछे का व्यू आपको दिख रहा है, काफ़ी बड़ा आपको विंडो ग्लास एरिया मिल जाता है रियर में। और ये आप इसके सनशेड देख रहे हैं, को पैसेंजर साइड भी एक सनशेड मिल जाएगा आपको। और लेगरूम, ये लेगरूम की बात करते हैं, अभी थोड़ा सा यहाँ डार्क हो रहा है, जो कि थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। बाकी ये इसका पूरा सेंटर टनल आपको दिख जाती है, ओवरऑल काफ़ी सही है। मतलब रियर में अगर 7 लोगों की भी बात करते हैं तो सफिशेंट आपको स्पेस मिलता है इस गाड़ी में। ये देख रहे हैं आप, पूरा हेडरूम की बात करते हैं तो पूरा स्पेस इसमें मिल जाता है। बाकी लेगरूम इसमें इतना मिलेगा, सीट की अगर आप देखते हैं बात, लेगरूम पूरा सफिशेंट है। बाकी यहाँ ड्राइवर साइड अगर आप लेगरूम की बात करते हैं तो यहाँ भी आपको पूरा स्पेस मिल जाता है, और सीट को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसका पूरा लेआउट है। अब हम देखते हैं इसके रियर की सीट की ओर चल के, कैसा आपको वहाँ स्पेस मिलने वाला है। मतलब बेस मॉडल इसका 386,000 का है, टॉप मॉडल 589,000 का अभी हम जिसको देख रहे हैं, जिसमें ये इसका आप रियर का विंडो ग्लास एरिया पूरा देख रहे हैं। इसमें आपको सारे कंट्रोल के फीचर मिल जाएंगे, ये इसके पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं, ये इसके सारे कंट्रोल्स हैं। अगर हम सेकंड सीट्स की इसकी लेग रूम की बात करते हैं तो यहाँ पे सफिशिएंट आपको स्पेस मिल जाता है, ये देखिए। और काफ़ी लोग कह रहे थे कि इसमें आपको 1200 cc का पेट्रोल इंजन मिल रहा है, तो काफ़ी लोग अट्रैक्ट होते हैं, 1200 cc के पेट्रोल इंजन काफ़ी पसंद करते हो आप लोग, मतलब काफ़ी सही लगता है आप लोगों को। तो ये कुछ इसका पूरा स्पेस आपको मिल जाता है, इसमें 3 लोगों के लिए स्पेस हो जाएगी काफ़ी इजीली, जैसे नॉर्मल पैसेंजर है तो। और हेडरूम काफ़ी सफिशिएंट है आप देख रहे हैं जैसे। और रियर की अगर हम थर्ड रो की बात करते हैं तो थर्ड रो में भी 2 लोगों के लिए स्पेस हो जाएगी। मतलब डैटसन ने काफ़ी सही से इसको डिज़ाइन किया है। अगर हम थर्ड रो में जाने की बात करते हैं तो थर्ड रो में जाने का हम देखते हैं दोस्तों, अगर हम ये थर्ड रो में जाने की बात करते हैं इसकी, तो ये यहाँ से फोल्ड हो जाएगी इसकी सेकेंड रो की सीट, और ये पूरा टम्बल हो जाती है, और ये कुछ आपको थर्ड रो की पूरी स्पेस मिल जाती है इसमें। ये कुछ इसकी पूरी थर्ड रो की स्पेस है, तो सही है, लेग रूम भी सही है, और नॉर्मल के लिए हिसाब से तो सही है। नॉर्मल अगर आपकी डिमांड है तो वैसे ये गाड़ियाँ ज़्यादा 5 सीटर की तरह यूज़ की, और 7 इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। अब हम बूट की ओर देख लेते हैं, बूट इसमें 370 लीटर का मिल जाता है, तो ये कुछ इसका पूरा बूट स्पेस है। ये सीट्स को अगर आप फोल्ड कर देते हैं थर्ड रो की सीट्स को, तो आपको इतना इसमें बूट स्पेस मिल जाएगा, जो कि ये इसकी सेकंड रो की सीट है, ये भी फ्लैट हो जाती है और ये भी फ्लैट हो जाती है। तो पूरा ये कुछ इसका पूरा लेआउट है। तो ये पूरी डैटसन गो प्लस का हमने स्पेस आपको दिखा दी, बाकी उम्मीद है कि पसंद आई होगी आपको। और ये पूरा स्पेस है इसका अभी थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, हम कभी दिन में भी कवर कर लेंगे इसे। बाकी कमेंट करके आप बताइए कि आपको कैसी लगी, और अगर टेस्ट ड्राइव और बुकिंग से रिलेटेड कुछ जानना हो और हल्द्वानी से, तो भी आप हम पाल निशान में, तो आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वेलकम।